civil society in this session we are going to discuss the topic of civil society that firstly we have to define that what is the actual concept of civil society and how we can understand this uh, uh, concept of civil society with context of political sociology so civil society can be understood as the third sector of society distinct from government इसका गवर्नमेंट से ताल्लुक़ नहीं है मुख्तलिफ है फ़र्क है ये गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ एंड एज वेल एज द अदर साइड ऑफ बिजनेस ये जो बाकी मामलात होते हैं के के उनसे इसकी हैसियत मुनफरिद है एंड इंक्लूडिंग द फैमिली एंड द प्राइवेट स्पीयर आर ऑल्सो सो समिफ सिवल सोसाइटी एज़ दैट सिवल सोसाइटी इज़ यूज इन देंस ऑफ द एग्रीगेट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल एंड मैनिफेस्ट इंट्रस्ट एंड विल ऑफ सिटीजन्स यानी सिविल सोसाइटी असल में माशरे के अंदर वो तमाम ऐसे मुतालबात तमाम ऐसे मफाद की तर्जुमान होती है जो आम लोग आम शहरी बाजात अफराद हकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई और आवाज़ नहीं होती तो यूँ हम कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी माशरे की एक ऐसी आवाज़ है जो लोगों की जरूरियात, लोगों के मुतालबात को एक मुनज़म शक्ल में हकूमत तक कम्युनिकेट करती है सो सिविल सोसाइटी रोल्स हर जगह पर सिवल सोसाइटी के कुछ रोल्स हैं सो वी कैन सेट सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्ज़ाम्पल रनिंग प्राइमरी स्कूल एंड प्रोवाइडिंग बेसिक कम्यूनिटी हेल्थ केयर सर्विस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सिविल सोसाइटी का कि बुनियादी तौर पर लोगों की तालीम में और सेहत के हवाले से हर जगह पर पूरी दुनिया में सिवल सोसाइटी बड़ा अहम रोल जो है वो अदा करती है और परफॉर्म करती है सो एडवोकेट दिन ऑफ द इंडिविजुल्स एंड द डिमांड्स बाई द पीपल The demands can be regarding environment, demands can be regarding the human rights situation and uh, civil society try to pressurize the government regarding various issues. So, uh, civil society can be a watchdog specifically regarding the uh, exploitation of human rights or violation of human rights. So, uh, civil society ka jo role is or सर्विस प्रोवाइडर का भी है वॉच डॉग का भी है और इसके साथ साथ टू कैरी द डिमांड्स बाय द सोसाइटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। एंड अदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इज बिल्डिंग एक्टिव सिटीजनशिप फॉर एग्जाम्पल मोटिवेटिंग सिविक इंगेजमेंट एट द लोकल लेवल एंड एंगेजमेंट विद द लोकल रीजनल एंड नेशनल लेवल तो सिविल सोसाइटी का एक और बड़ा अहम काम क्या है कि जो लोकल लेवल है बुनियादी जो अवाम का पहला जिन जहाँ पर बरह रास्त ताल्लुक़ बनता है कि अवाम के इर्द गिर्द डायरेक्ट एक्सेस में जो लोग जो हुकूमत आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ख़ुद्यारी का जो कॉन्सेप्ट है सिवल सोसाइटी आम लोगों को उससे जोड़ती है ताकि उनके डोर स्टेप पर उनके प्रॉब्लम्स की आवाज़ सुनी जा सके सो so, uh, एन अदर इम्पॉर्टेंट रोल इज दैट पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल गवर्नेंस सिवल सोसाइटी जहाँ आम लोकल लेवल पर काम करती है वहाँ अब उसका रोल और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम और अब इस रोल के अंदर इवन ग्लोबल लेवल के भी बहुत सारे ऐसे इशूज़ इंक्लूड होते जा रहे हैं जहाँ सिवल सोसाइटी का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है उसके अंदर जैसे हम देखते हैं आज कल क्लाइमेट का इशू है जैसे हम देखते हैं कि पॉपुलेशन का अर्बनाइजेशन का इशू जो है वो सिर्फ एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वो इश्यूज जो हैं उनकी इंटेंसिटी उनका इम्पेक्ट जो है वो एक्सपेंड कर रहा है दुनिया में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है जैसे जैसे लोगों का आपस में इंटरेक्शन बढ़ रहा है कम्युनिकेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो अब ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इन सारे इश्यूज़ पे जो क्लाइमेट से लेकर एनवायरनमेंट से लेकर लोगों के मसाइल जो हैं वो उन सब का हाथा जो है वो सिविल सोसाइटी करती है